हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। ये आज में हिंदी सेकंड की बुक है, हिंदी सेकंड स्टैंडर्ड की हिंदी की बुक है ये। ये चैप्टर नंबर 4 है, बासु और नन्ही चिड़िया। ये हम कहानी, चलो एक बच्चे की और एक चिड़िया की कहानी है, इसे हम पढ़ते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, इजी तरीका लग रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ चलो हम देखते हैं अभी। इसमें एक कहानी है, छोटे से बच्चे की है, इसका नाम है बासु और एक छोटी सी चिड़िया है। तो इस चैप्टर का नाम है बासु और नन्ही चिड़िया। ओके, चलो देखते हैं बच्चों। पशु पक्षी भी भलाई का बदला चुकाते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं। एक नन्ही चिड़िया ने बासु का के उपकार का बदला उसकी जान बचाकर चुकाया। हमें किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये चिड़िया है और एक ये लड़का बैठा है, देखो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्कूल की छुट्टी हुई, बासु स्कूल से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा, उसका रिक्शा वाला नहीं आया था। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। बासु चलते चलते थक गया। सामने ही बगीचा था, वह आराम करने के लिए वहाँ रुक गया। उसने एक पेड़ के नीचे अपना बैग रखा और बैठ गया। अचानक उसकी नज़र एक चिड़िया पर गई। उसकी चोंच खुली थी, वह तेज़ी से सांस ले रही थी, वह उड़ भी नहीं पा रही थी। बासु समझ गया कि चिड़िया प्यासी है। उसने अपनी पानी की बोतल से पानी निकाला, चिड़िया को उठाया, उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाल दीं। चिड़िया फुर से उड़ पेड़ पर जा बैठी। देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, एक बच्चा है, इसकी बोतल खुली रखी है और इससे ये पानी, ये इसकी बोतल है, देखो ये इससे पानी पिला रहा है, ये बोतल के ढक्कन में पानी पिला रहा है चिड़िया को। इसका स्कूल बैग रखा है और ये गार्डन में बैठा है, बगीचा है उसमें बैठा है। बासु फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे झपकी आ गई, तभी चिड़िया ज़ोर से ची 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 करने लगी। वह उड़ती हुई आई, उसने बासु के पैर पर चोंच मारी। बासु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि एक सांप उसकी ओर आ रहा है था। उसने झट से अपना बैग उठाया और बगीचे से बाहर भागा। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी। बासु बोला, मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ। और वह गीत गाने लगा, प्यारी चिड़िया प्यारी चिड़िया प्यारी चिड़िया, मैंने तेरी प्यास बुझाई। प्यारी चिड़िया मैंने तेरी प्यास बुझाई, बदले में तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। बदले में तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। तो बच्चों, ये आपको कहानी कैसी लगी। एक बच्चा था, एक स्कूल से घर जा रहा था, तो उसका रिक्शा वाला नहीं आया था, तो उसको एक बगीचा दिखाई दिया, वो बगीचे में बैठ गया। उसने उसको वहाँ पे एक चिड़िया दिखी जो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रही थी, जिससे उसको बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। बासु ने अपनी बोतल में से पानी निकाला और पानी निकाल के उस चिड़िया को पिला दिया। तो फिर बासु को थोड़ी देर सोने के लिए झपकी आ गई, तो उसने सोचा मैं सो जाता हूँ। वो सो गया तो उसने चिड़िया ने देखा कि एक सांप उसकी बासु की तरफ आ रहा था चल। तो सांप से बचाने के लिए उस चिड़िया ने बासु के पैर में
चोंच मारी, जिससे क्या हुआ कि बासु उठ गया और बासु की जान बच गई। तो आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। और बहुत इजी तरीका है जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए, सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। और ये देखो अभी हम यहाँ पे देखते हैं शब्द और इनके अर्थ, मतलब किसी भी शब्द को जो हम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है वो आप देखो। बगीचा, बगीचा क्या होता है? बाग, जहाँ पे बहुत सारे हरियाली होती है और पेड़ होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे आप लोग घूमने जाते होंगे कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है। उपकार मीन्स क्या होता है? उपकार मीन्स होता है भलाई करना, कि सबके साथ अच्छे काम करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना होता है भलाई। और झपकी क्या होता है? झपकी, झपकी मतलब होती है नींद, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए सो जाना तो नींद होती है, वो होती है झपकी। ओके, तो बच्चों हड़बड़ाकर क्या होता है? हड़बड़ाकर मतलब घबरा कर, किसी भी काम से जल्दी से हम एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो होता है घबरा कर। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।